आगे तुम्हें ये पूछना चाहूंगी कि ये फिल्म करते वक्त सबसे कठिन बात तुम्हें क्या लगी? तुमने अजीज को भी इतनी आसानी से पकड़ लिया इंटरव्यू के लिए, मैं उसका स्टोरी बताती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन सबसे कठिन बात वो उस पॉइंट तक सबसे कठिन बात तो वाज फॉर मी पर्सनली बिकॉज़ आई एम एन इंडियन नेशनल, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है और इंडियन सिटीजन हूँ मैं, तो फॉर मी इट वाज द टफेस्ट थिंग वाज टू गेट अ वीजा। पाकिस्तान में ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रोज मजा में घूमने फिरने में, क्योंकि पाकिस्तानी वैसे बहुत अच्छे हैं लोग हैं। जैसे मैं लाहौर गई थी तो वहां पे मैं नसी के स्टॉल में हम लोग खड़े थे, मैं और मेरा को प्रोड्यूसर, और हम लोग बातें कर रहे थे तो मेरा एक्सेंट सुन के ना उनको लगा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप हिंदुस्तान से हैं, तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा फिर तो आप मेरी मेहमान हैं, तो उसने मुझे फ्री लस्सी दिया। फिर बहुत जल्दी बाजार में बात फैल गई कि हिंदुस्तान से कोई लड़की आई है, तो मुझे खाना फ्री मिला, यू नो चूड़ी वाले ने मुझे चूड़ियाँ फ्री दी। तो नहीं वैसे ऐसा है, मतलब मेरे साथ वैसा ट्रीटमेंट हुआ था, मैं घर घर में जाती थी तो मुझे दावत के लिए बुलाते थे। तो ऑन एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी लेवल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। In fact, I was feeling ashamed of my own dogmas and my own, you know, bigotry. Like, मैं सोचती थी कि मैं कितनी संकोचित मन की हूँ कि मैं इन लोगों के बारे में क्या सोचती थी। मतलब उन्होंने मेरी आंखें खोल दी कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मेरा हस्बैंड मुझे बोल रहा था बॉडी गार्ड लेके जा। तो मैंने बोला अभी अगर पाकिस्तानी आर्मी ने डिसाइड किया मुझे अंदर करने का तो आई डोंट थिंक आई हैव द मनी टू अफोर्ड अ बॉडीगार्ड दैट्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द आर्मी, देयर इज नो वे। सो मैं ऐसे ही जाती हूँ कि देखते क्या होता है, पर कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली, नथिंग हैपेंड। आई वाजंट हरास्ड, आई वाजंट, पीपल वर वेरी नाइस टू मी वंस दे फाउंड आउट आई एम एन इंडियन। और भी अच्छा ट्रीटमेंट मुझे मिला पाकिस्तानियों से, ऑर्डिनरी पाकिस्तानियों से। सिर्फ मदरसास में आई हैड टू यू नो हाइड माय आइडेंटिटी, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डर जैसा माहौल था, लेकिन सभी डरे हुए थे। बोथ माय को प्रोड्यूसर्स वर टेरिफाइड ऑफ गेटिंग इन टू द मद्रास एज़ वेल, या इवन डिस्पाइट बीइंग पाकिस्तानी। सो इट वाजंट जस्ट मी, एवरीबॉडी वाज टेरिफाइड बिकॉज दैट वाज अ बिट ऑफ एन इंसुलर एनवायरमेंट। बट रोज मजा में मतलब आई यूज टू वेयर सलवार कमीज, क्योंकि सलवार कमीज कल्चर है ना, तो वो मैं थोड़ा कल्चर फॉलो करती थी। बट ऑर्डिनरी सलवार कमीज में हिजाब ही नहीं पहनती थी, आई वाज टोटली फाइन, आई रियली हैड नो प्रॉब्लम्स। जब तुम इंटरव्यू कर रही थी अजीज को या उनके बच्चों को या फिर जो शॉर्ट्स तुमने लिए हैं, तब तो जरूर उनकी ऑब्जेक्शन उस पर होगी। एक्चुअली मैंने मदरसा में फिल्मिंग किया था, तभी कोई ज्यादा, तभी उनको मेरी आइडेंटिटी नहीं पता थी ना। आई टोल्ड देम आई एम फ्रॉम दुबई एंड नाउ आल्सो ही डजंट नो अबाउट यू। ओह ना, आई एम श्योर ही नोस अबाउट मी, आई एम श्योर ही डज। बट यू नो, सो लेट मी कंटिन्यू द स्टोरी। सो यू नो इट काइंड ऑफ इट बिकेम अ लिटिल मैंडेटरी फॉर मी टू गेट इनटू अजीज द लायंस डेन, व्हिच इज अजीज द वर्ल्ड ऑफ अजीज। मैंने सोचा कि आई एम अ हिंदू वुमन फ्रॉम इंडिया, देर इज नो वे मुझे मिलेगा एक्सेस, और मुझे पाकिस्तानी प्रिजन में भी नहीं जाना है, ऐसी मेरा कोई एम्बिशन नहीं है। तो मैंने आई लुक्ड अ लॉट एंड देन आई फाउंड अ फैंटास्टिक पाकिस्तानी फिल्म मेकर कॉल्ड मोहम्मद अली नकवी। ही इज ऑल्सो मल्टी एमी अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, ही इज वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड। पिछले बहुत सालों से वो बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, उनकी अभी और एक फिल्म रिलीज हुई इंशाल्लाह डेमोक्रेसी, इट्स ऑन परवेज मुशर्रफ द फॉर्मर डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। तो ही इज बीन डूइंग वर्क इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई मेट हिम इन न्यूयॉर्क एंड ही इज पाकिस्तानी एंड कैनेडियन। तो मैंने उसको बोला कि ये प्रोजेक्ट है, ये करना है, अजीज के साथ इंटरव्यू आप कर सकते हो क्या? तो पहले तो उसको लगा कि मैं रॉ एजेंट हूँ। बोलता ये क्या है, मैं इसको फर्स्ट
टाइम मिला इंडियन है और मेरे को बोलती है जाके अजीज का इंटरव्यू लेके आ और ये रॉ एजेंट है क्या, तो थोड़ा उसने मेरा इंक्वायरी किया, उसने कहा नहीं है, नहीं है रॉ एजेंट लेकिन उसको थोड़ा डर लग गया, लेकिन बाद में ही काइंड ऑफ केम ऑन बोर्ड, यू नो आई मीन ही वाज अ लिटिल वरिड के आई वुड मेक अ टिपिकल फिल्म जिसमें ब्लैक इज ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाइट, देयर बी नो नुआंस, एंड ही वाज टेरिफाइड ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो. So, you know, over the period of time, we kind of, I mean, he agreed. Sab aur kisi bhi Pakistani se, mainstream Pakistani se aap miloge, to wo log wahi kahenge ki sabse badi problem Pakistan ko India se nahi hai, andar internal terrorism se hai. Wo sabhi log mante hai, sabhi log swikarte hai us cheez ko. To, kind of, you know, so Mohammed joined, and then I had a co-producer called Musharraf. And he is very, वो पश्तू है, पश्तू वो एरिया से है जहाँ से मोस्ट मेंबर्स ऑफ तालिबान आते हैं. तो मुशर्रफ ने क्या किया कि इट टुक अस 3 years टू गेट इनटू अजीज़'स लायंस डेन. उसने क्या किया, ही मेड फ्रेंड्स विद, तो हमारी आधी फिल्म पहले बन गई थी, फिर अभी अजीज के बारे में फिल्म हम लोगों ने बाद में बनाई, यू नो वी मेड फिल्म इन टू पार्ट्स एंड वी काइंड ऑफ वेरी क्लेवरली एडिटेड. अजीज को क्या बोलना पड़ा, रीजन क्या था, कैसे फिल्म, कौन सी फिल्म बना रहे हो आप अजीज के बारे में? हम लोग दोनों तरफ से दोनों पहलुओं को बता रहे हैं. हमने ये भी बताया हम लोग डॉक्टर परवेज गुडबॉय को मिलके आए हैं जो कि अजीज का दुश्मन है, यू नो. उसको हमने बताया, उसने कहा, अजीज ने कहा मुशर्रफ से. सो मुशर्रफ टुक 3 years टू गेट एक्सेस टू अजीज, एंड मुशर्रफ ने धीरे 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 गार्ड्स और सबसे फ्रेंडशिप कर करके ही गॉट इनटू इनर सर्कल एंड ही गॉट द एक्सेस. लेकिन मुशर्रफ को अजीज ने बहुत बोल दिया सीधा सीधा कि यू नो बेटा सही बताना, झूठ मत बताना, वरना कयामत के दिन तुम्हारे गिरेबान में पकड़ूंगा. सो We recorded. Yeah, but we did a private screening with Aziz and we recorded Aziz watching the film so that he doesn't forget that he watched it, just in case, you know. So, aur usne kaha ke Allah ne bheja hai aapko ye film banane ke liye. Because unke hisab se unka point of view bahut correctly represent kiya hai. Abhi wo isko mante hai, wo isi cheez ko mante hai, uska point of view bahut correctly represent kiya hai. And हम लोग ने परवेज गुड बॉय को भी बताई, तो परवेज गुड बॉय also loves the film. So it's a kind of film which I am personally very proud of, because no matter who watches it, whether it's परवेज गुड बॉय or Aziz, they feel that their particular point of view is correctly represented. You say that audience has to decide now what you want to present. No, the audience के सामने we presented the raw template. Now audience अभी उनका जो मन में जो भी उनकी जो धारणाएं हैं उस हिसाब से वो इसको इंटरप्रेट करेंगे, बट इट्स देयर इंटरप्रिटेशन, बट वी हैव प्रेजेंटेड इट द वे वी सॉ इट. यू नो दिस फिल्म वाज एडिटेड फॉर 1 year, इट टुक अस 1 year टू एडिट इट, एंड वी हैड सो मेनी एक्सपर्ट्स एंड वी हैड सो मेनी जर्नलिस्ट्स ऑन पैनल. इट्स थरली फैक्ट चेक्ड, इतना फैक्ट चेकिंग का स्टैंडर्ड्स कोई मतलब एटलीस्ट इंडियन फिल्म मेकिंग में तो ये लेवल नहीं है. इतना हम लोगों ने जर्नलिस्ट इंटेग्रिटी मेंटेन की है, बिकॉज दिस इज सच अ कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म कि इसमें अगर एक गलती कर दी ना हमने, तो हमारा पाकिस्तानी फिल्म क्रू पूरा मार देंगे सबको.